कोनिच्चिवा एवरीवन, कैसे हो सब? तो अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो क्या कर रहे हो यार? देख ले इस वीडियो से, क्योंकि आज मैं पांच ऐसे एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इसी कॉमेडी जॉनर से बिलोंग करता है, जिसमें बहुत सारे न्यूडिटी सीन्स है। और हाँ, इन सभी एनिमे का अनसेंसर वर्सन अवेलेबल है। वैसे एक और बात है, इन सभी एनिमे का हिंदी सबटाइटल अवेलेबल है, तो हिंदी सबटाइटल के साथ अगर देखना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर ही मैं सभी लिंक्स दे दूंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ओके, तो नंबर 5 पे मैंने जो एनिमे रखा है उसका नाम है यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। इसका बस 12 ही एपिसोड है और ये एक इजी कॉमेडी हारेम रोमांस सुपर नेचुरल टाइप का एनिमे है। अब सर, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि ये एक हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग की कहानी है, पर इन्होंने हॉन्टेड के जगह पर हमें वेल डन। अब इस हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग में कोकरश नाम का एक बंदा आता है जिसके पास भूतों को देखने की ताकत है, मतलब वो आंखों से भूतों को देख सकता है। ऊपर से कोकरश एक स्पिरिट हंटर भी होता है, जिसकी वजह से जब उसे इस हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग के बारे में पता चलता है तब वो यहाँ पर आ जाता है। कोकरश एक स्पिरिट हंटर है, यानी कि भूतों को भगाने वाला, तो ऑब्वियसली वो किसी हॉन्टेड प्लेस में भूतों को ही भगाने जाएगा ना, न कि इंस्टाग्राम की रील्स बनाने। खैर, इधर कोकरश जैसे ही हॉट स्प्रिंग में नहाने जाता है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी भूत दिखती है, जो कि ऐसे हालत में दिखती है कि वो देखता ही रह जाता है। इधर बता दो कि इस भूत का नाम होता है यूना। अब थोड़ी देर बाद कोकरश और यूना के बीच में दोस्ती हो जाता है, जिधर कोकरश को यह पता चलता है कि यूना एक बहुत ही प्यारी और अच्छी भूत है जो कि किसी को भी डराती नहीं है। जिसके बाद इन दोनों की कहानी आगे कंटिन्यू होती है, जो कि तुम लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब यूना के साथ साथ इधर बहुत सारी और लड़कियां भी है, जिसकी वजह से इधर बहुत सारे हरेम कॉमेडी सीन्स है और हाँ, बहुत सारे बोल्ड सीन्स भी है। तो तुम लोगों को इस एनिमे सीरीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 4, रसल जो वैम्पायर। इसका 2 ही सीजन है और 2 सीजन में टोटल 26 एपिसोड जो है। ये भी एक हारेम कॉमेडी रोमांस एक्शन और सुपर नेचुरल टाइप का एनिमी है। तो इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सुगुने अयनो और ये हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, पर हाई स्कूल के एग्जाम में उसे बहुत ही ज्यादा खराब मार्क्स मिलता है, जिसकी वजह से उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। देखो, इसलिए तो मुन्ना भाई बोलते हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। पर नहीं, एग्जाम से पहले तुम लोगों को सिलेबस नहीं बल्कि वन पीस और नारुतो खत्म करना है। खराब मार्क्स होने के कारण उसे किसी भी कॉलेज पर एडमिशन नहीं मिलता, पर उसके पेरेंट्स एक ऐसा कॉलेज ढूंढ लेते हैं जिधर खराब मार्क्स होने के कारण भी तुसुना को एडमिशन मिल जाता है। इसलिए तुसुना अब ये डिसाइड करता है कि वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। तो जब वो एडमिशन लेने पहले दिन उस कॉलेज में या फिर एकेडमी में जाता है, तब वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है मोका। मोका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये किसी इंसानों का नहीं बल्कि डीमंस और मॉन्स्टरों का कॉलेज होता है। इधर डीमंस और मॉन्स्टर्स ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं और पढ़ाई भराई करते हैं, पर इधर किसी भी ह्यूमन का आना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर डीमंस और मॉन्स्टर्स को पता चल गया कि इधर कोई ह्यूमन आया है तो या तो वो इनको मार देते हैं या फिर बढ़िया सॉस लगाकर खा लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों ने डिसाइड करते कि वो इधर से भाग जाएगा, पर एक रीज़न से वो नहीं भागता। अब वो क्या रीज़न है और आगे दोस्तों के साथ क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए तुम्हें तो इस एनिमे सीरीज को ही देखना पड़ेगा। अब इधर भी बहुत सारे बोल्ड और इची सीन्स है, जिसकी वजह से तुम लोगों को इस एनिमे को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नंबर 3, मर्डर ऑफ कॉलेज डॉर्मेटरी। इसका बस 10 ही एपिसोड है और ये भी वही हारेम कॉमेडी रोमांस वगैरह वगैरह टाइप का एनिमी है। तो इस सीरीज में हमें एक 12 साल की लड़की की कहानी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नागमी कोइशी। अब इसके फादर ने इसको एबेंडेंट कर दिया है और इसका घर भी एक एक्सीडेंट के कारण जल जाता है, जिसकी वजह से ये सड़क पर आ जाता है। इसके पास ना ही खाना होता है और ना ही पैसा, जिसकी वजह से वो सड़क पर ही पड़ा रहता है भूखमारी के कारण। पर अचानक उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिनर्वा। अब मिनर्वा को इसके ऊपर दया आ जाता है, इसलिए वो कोशी को अपने डॉर्मेटरी में ले जाता है, जो कि एक वुमेंस का डॉर्मेटरी होता है,
अब इधर मिनर्वा के अलावा और भी तीन लड़कियां होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड और अजीब होती है, मतलब कुछ ज्यादा ही अजीब या फिर ठरकी। अब इधर आने के बाद से ही कोशी इस घर में रहने लगता है, पर बदले में कोशी इस डॉर्मेटरी के सभी काम करता है, यानी कि कपड़े धोना, खाना बनाना वगैरह वगैरह ये सब। अब देखो एक जगह पर अगर एक लड़का और पांच लड़कियां होगी तब तो बकचोदी तो होगा ही ना। अब आगे इस डॉर्मेटरी में क्या क्या बकचोदी होता है वो जानने के लिए तो तुम लोगों को इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ना। नंबर टू, सिमोनिटा। 12 एपिसोड वाले इस एनिमे सीरीज में तुम लोगों को हरिम कॉमेडी, इची, रोमांस स्कूल ये सभी देखने को मिल जाएगा। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार का है कि जापान में फिलहाल एक नया रूल आया है जिसके अकॉर्डिंग जापान में पॉर्न, हेंटाई या फिर एडल्ट मैगजीन ये सब कुछ बैन हो चुका है। खैर इसी के चलते सभी टीनेजर्स के गले पर एक पट्टा बांध दिया गया है जो कि एक ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीनेजर छुप छुप कर पॉर्न या फिर एडल्ट मैगजीन देख रहा है तो इस ट्रैकिंग आईडी के सहारे या फिर उस पट्टी के सहारे गवर्नमेंट को तुरंत पता चल जाता है और वो लोग तुरंत इसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। ओए तावड़े तू तो बच गया यार, अगर ये रूल सीधा होता था तो हमेशा जेल में ही होता, समझ रहे हो। सो इस सीरीज में दो मेन कैरेक्टर है, एक का नाम है अकुमा जो कि बहुत ही शर्मीला और अच्छा लड़का होता है और दूसरा है काजो सेनपाई जो कि बहुत ही ठरकी लड़की होती है। अब काजो सेनपाई चाहती है कि या तो असली चीजें अनबैन हो जाए या फिर टीनेजर्स को सॉक्स के बारे में पता चले, क्योंकि असली चीजें बैन होने के कारण इधर के टीनेजर्स को सॉक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। वह पे अकुमा एक ऐसा लड़का है जिसे असली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही उसे सॉक्स के बारे में बातचीत करना पसंद है। बट एक इंसिडेंट के चलते दोनों ही एक साथ आकर टीमिंग कर लेते हैं जहाँ पर काजो सेनपाई एक टेररिस्ट ग्रुप खोलती है जिस टेररिस्ट ग्रुप का नाम वो लोग ब्लू स्नो रखते हैं और ये लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। Nothing beats saying dirty words in public except saying them with panties over your fashion. Dirty jokes are my civil right. Now some parting gifts. Happy on. This is crazy. What are you doing? I'll handle things here. You don't want to be late to your first day of school. You know I. अब हालांकि ओकुमा को ये सब पसंद नहीं है पर फिर भी वो काजो का हेल्प करता है उसके मिशन में। अब आगे ये दोनों क्या क्या हरामी बातें करेंगे ये जानने के लिए तो तुम लोगों को इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा। इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा फनी है इसलिए ये सीरीज तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। नंबर वन, व्हाई द हेल आर यू हेयर टीचर। अब इस सीरीज को तुम लोग एक ही दिन में खत्म कर सकते हो क्योंकि इसमें बस 10 ही एपिसोड है और हर एपिसोड करीब 12 मिनट का है। इस सीरीज में सातो नाम के 17 साल का एक स्टूडेंट होता है और उनकी क्लास टीचर होती है मिस काना जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है। पर गड़बड़ तो तब हो जाता है जब सातो ज्यादातर टाइम मिस काना के साथ बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। अब बहुत बार ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसते दोनों को ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, पर दोनों ही क्लास टीचर और एक स्टूडेंट है इसलिए दोनों में से कोई भी अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पाता। अब सीरीज के खत्म होते होते क्या ये दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग बता पाएंगे ये जानने के लिए तो तुम लोगों को इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा। इधर बस सातो और मिस काना ही नहीं बल्कि और तीन टीचर्स और तीन स्टूडेंट्स का काफी हद तक ऐसा ही केस होता है जिसकी वजह से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मजेदार बन जाता है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा था कि किसी स्टूडेंट और टीचर के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, मतलब पहली बात तो वो पता नहीं तुमसे कितना बड़ा होगा या फिर बड़ी होगी और ऊपर से वो तुम्हारा टीचर है यार। पता नहीं यार क्या टेस्ट हो गया है आजकल के लॉन्डो को या फिर लॉन्डियो को। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ टोटल 4 है जगह, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1, तो बेबी तो ओके शायद मेरा इरादा बदलने वाला है। रामी मानुस 2 दिन में पलट गया। 2 दिन में नहीं, 2 सेकंड में। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, तो इसलिए सायोनारा आरा आरा। सीरियसली ये वाला आरा आरा सुनकर तो पब्लिक सच में मर जाएगा। Okay.
चलो आओ थोड़ा मूड बनाया जाए। क्या बात है,